हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसआरके ट्यूशन ट्यूटोरियल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड से रिलेट करते हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, तो काइंडली इसे अच्छे से पढ़े और गुड मार्क्स ऑब्टेन करें। तो बिना देरी किए हुए मैं अपनी वीडियो के साथ स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख ही रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी द स्टूडेंट्स एडेड जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड ऑल ऑफ देम पोर्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू द फ्लास्क एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट इज बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्म्ड टू राइज ब्रिस्कली फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ द जिंक मेटल। सेकेंड, देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर। थर्ड, अ येलो कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। Fourth is the color of the gas formed is brown. Which of the above observations are correct? A is only 1, B is only 2, C both 3 and 4, D both 1 and 2. तो प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, जिंक ग्रेनुअल्स ऐड किए किसके अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और उनको पोर कर दिया किसकी ड्रॉप्स के साथ, कुछ ड्रॉप्स थी हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। और फिर उन्होंने उसमें क्या क्या चेंजेस देखी जब उन्होंने जिंक ग्रेनुअल्स के अंदर किसको, जो हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स थी उनको पोर कर दिया, मतलब उनको डाल दिया। तो क्या क्या उन्होंने चीजें देखी, उसमें कौन कौन सी चीजें हैपन हुई, तो उन्होंने आपके पास दिया है कि बबल्स ऑफ गैस आपके पास राइज करने लगे सरफेस ऑफ जिंक मेटल से। दूसरी चेंज उन्होंने देखी कि टेम्परेचर में चेंज आया। थर्ड उन्होंने देखा कि येलो कलर फॉर्म हुआ। फोर्थ उन्होंने ऑब्जर्वेशन नोट की कि जो गैस थी उसका कलर कैसा आया, ब्राउन कलर आया। तो आपने इन सब ऑब्जर्वेशंस में से बताना है कि कौन सी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने तो हमें बता दिया स्टूडेंट्स ने कि ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिली हमें, और चार ऑब्जर्वेशन उन्होंने हमें बता दी, बट हमने उसमें से बताना है किस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन सच में देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन दी है ओनली 1, बी में दिए ओनली 2, सी में दिए बोथ 3 एंड 4, और डी में दिए बोथ 1 एंड 2। तो इसके आंसर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि जिंक हमारे पास इस क्वेश्चन में रिएक्शंस कहाँ पे हो रही थी, किसके बीच में हो रही थी, तो वो रिएक्शन हमारी जिंक ग्रेनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हो रही थी। फिर हमें कौन सी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि जो बबल्स ऑफ गैस थे वो हमारे क्या कर रहे थे, राइज कर रहे थे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जिंक मेटल। तो वो सच्चे ये बात की, हाँ सच्ची करती है हमारी जो बबल्स ऑफ गैस है राइज, तो हाँ ये बात सच है कि हमारी बबल्स ऑफ गैस राइज करती है ब्रिस्कली फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक मेटल। क्यों करती है, क्योंकि जो हमारा, जब हमारा जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इस वजह से जो बबल्स ऑफ गैस होते हैं ये राइज करते हैं ब्रिस्कली, राइट। तो जब हमारे पास इन चीजों के बीच में रिएक्शन होगी, किसके बीच में, जिंक ग्रेनुअल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो उस टाइम हमारे पास बबल्स ऑफ गैस है वो राइज करते हैं ब्रिस्कली फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक मेटल। क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, प्रोड्यूस्ड हो जाती है। हाँ ये बात सच है। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी आपके पास, गिवन दी हुई थी क्वेश्चन में, देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर। हाँ ये बात भी सही है इस एक्सपेरिमेंट के पीछे, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आता है।
क्यों आता है? क्योंकि रिएक्शन हमारी क्वेश्चन में किसके बीच में हो रही थी? जिंक ग्रेनुअल्स के बीच में हो रही थी और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हो रही थी। तो ये दोनों जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा किस रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हीट एनर्जी को क्या करती है? रिलीज करती है। अब देखो इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी हमारे टेम्परेचर में, एटमोस्फेयर में, तो ऐसी बात है जब हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आता है टेम्परेचर में, वो क्यों आता है? या तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है या हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। उसी वजह से दो सर्कमस्टांसेस होता है जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में क्या आता है? चेंज आता है। तो इसमें इस रिएक्शन का जब हमने किया, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन को जब हमने किया, तो हमें पता लगा कि इसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो जब हीट एनर्जी ज्यादा हो जाएगी हमारे रिएक्शन में, तो उस टाइम क्या आ जाएगा? टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन, उन्होंने हमें बोला कि येलो कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, येलो कलर का सॉल्यूशन फॉर्म्ड हुआ था। नहीं, इस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो येलो कलर्ड सॉल्यूशन कभी भी फॉर्म्ड नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा प्योर जिंक मेटल होता है वो हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो कभी भी येलो कलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है। और ये सच्ची बात है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें हमारे पास जो सल्फ्यूरिक इंपुरिटीज होती है उनकी प्रेजेंस होती है जिंक के अंदर, जो कि हमें क्या देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि येलो कलर सॉल्यूशन हमारे पास कभी भी इस रिएक्शन में फॉर्म नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। फोर्थ पूछा गया था हमारे पास, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में, द कलर ऑफ द गैस फॉर्मड इज ब्राउन। आपको बोला गया है जो हमारे पास गैस का कलर होगा वो ब्राउन आएगा। ये बात भी बिल्कुल झूठी है, ठीक है, ये बात सच्ची नहीं है। क्योंकि जो हमारे पास ऑब्वियसली बात है, जब हमारा जिंक ग्रेनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो हमारे पास कलरलेस इंडिकेटर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो कलरलेस इंडिकेटर प्रोड्यूस करेंगे तो ब्राउन कलर कहाँ से आ गया? तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। जो प्योर H2 गैस होती है वो कभी भी ब्राउन गैस प्रोड्यूस नहीं करती है, वो हमेशा कलरलेस गैस ही प्रोड्यूस करती है। तो ये आंसर भी गलत है। तो अब इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को नोट करके हमें पता चल गया कि कौन सी ऑब्जर्वेशन ठीक है हमारे पास। फर्स्ट नंबर की ऑब्जर्वेशन, जो कि बबल ऑफ गैस थे वो राइज कर रहे थे ब्रिस्कली फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक मेटल। और सेकंड ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास, उसमें चेंज इन टेम्परेचर आया था। तो ये भी ऑब्जर्वेशन हमारी ठीक है। किस रिएक्शन के लिए? जिंक ग्रेनुअल्स की रिएक्शन के लिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस के लिए। तो हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, जिसमें कि बोथ वन एंड टू दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स है, ये क्या हमारी ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर टू देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है आपसे, द ग्रीन कलर ऑफ मेटल सॉल्ट ए फर्स्ट चेंजेस टू व्हाइट सॉलिड बी ऑन हीटिंग, ऑन फर्दर हीटिंग व्हाइट सॉलिड बी टर्न इनटू अ ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास, आपको बोला गया है आपके पास एक मेटल सॉल्ट ए है, उसका कलर ग्रीन है, ठीक है, और उसमें कुछ चेंजेस आती है मेटल सॉल्ट ए में। तो वो जब हम उसमें चेंजेस किस तरह से कर सकते हैं? जब हम उनसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद चेंजेस आती है, जो हमारे पास मेटल सॉल्ट ए होता है वो किस में बन जाता है? व्हाइट सॉलिड बी में। पहले हमारे पास ग्रीन मेटल सॉल्ट होता था ए, और जब हम उसको हीट करेंगे तो वो किस में आ जाता है हमारे पास? व्हाइट सॉलिड बी में। कब आता है? जब हम उस पे
उसकी हीटिंग करते हैं, जब उसको हीट अप करते हैं और फर्दर हम सॉलिड गाइड सॉलिड बी को हीट अप करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लैक सब्सटेंस ही आ जाता है, जिसको आप ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस सी भी बोल सकते हो। जब आप किसी चीज को फर्दर हीटिंग हीटिंग करते रहते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक बन जाता है। और सब्सटेंस कौन सा प्रोड्यूस हो गया हमारे पास, सी। तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है किस सब्सटेंस के बारे में और कौन सी रिएक्शन इन दोनों के बीच में हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया जो ग्रीन कलर ऑफ मेटल सॉल्ट ए है वो हमारा किस में चेंज हुआ, व्हाइट सॉलिड बी में। कब चेंज हुआ, जब हमने उसकी क्या की, हीटिंग की। तो इससे पता लगता है हमारे को कि जो मेटल सॉल्ट ए है वो किस प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, डिहाइड्रेशन को, या फिर आप ये बोल सकते हो जब हम हीटिंग करते हैं किसी चीज की तो वो क्या होती है, चीज अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो डिकम्पोजिशन अपॉन हीटिंग से हमारे पास क्या सब्सटेंस रिलीज होता है, व्हाइट सॉलिड बी सब्सटेंस। ऐसे ही फिर हमने व्हाइट सॉलिड बी सब्सटेंस की क्या की, हीटिंग की। तो हीटिंग करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस सी, ठीक है। तो ये चेंज क्यों आया, ये चेंज आया हमारे पास डिकम्पोजिशन की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ द इंटरमीडिएट व्हाइट सॉलिड बी की वजह से, जिसको कि हम कंटिन्यूसली क्या करते रहे, हीट अप करते रहे, जिस वजह से हमारे पास व्हाइट सॉलिड बी सब्सटेंस आया। और कंटिन्यूसली में हम व्हाइट सॉलिड बी सब्सटेंस को भी हीट अप करते रहे, फिर हमारे पास कौन सा सब्सटेंस रिलीज हुआ, सॉलिड हमारे पास हुआ ब्राउनिश डार्क सब्सटेंस सी प्रोड्यूस, जैसा कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो इन सिंपल वर्ड्स कि जो ए है हमारे पास वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, बी क्या है हमारे पास अनहाइड्रस सॉल्ट है, और जी सी क्या है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ द मेटल है। यही चीज आपसे पूछी गई थी कि जो सब्सटेंस ए है वो क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो वो क्या कर जाता है, जितने भी उसके वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं वो क्या कर देते हैं, लूज हो जाते हैं। लूज होने की वजह से हमारे पास एक सब्सटेंस और प्रोड्यूस हो जाता है जिसे क्या बोला जाता है, सॉलिड सब्सटेंस वी, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस बी, ठीक है, जिसे कि हम बोल सकते हैं एनहाइड्रस सॉलिड बी। फिर उसके बाद हम जो सब्सटेंस बी हुआ है उसको क्या करते रहते हैं, हम हीटअप करते रहते हैं। हीटअप करने के बाद हमारे को ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस सी मिलता है, वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, हमारे पास ज्यादा फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, मेटल ऑक्साइड की, ज्यादा फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस सी, जिसे कि बोला जाता है ऑक्साइड ऑफ द मेटल। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सारी की सारी चीजें हमारे किससे, किस प्रोसेस से प्रोड्यूस हुई, ए ऑप्शन से हुई, क्योंकि ए हाइड्रेटेड सॉल्ट था, फिर वो क्या बन गया, एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया, फिर सी क्या बन गया हमारा, ऑक्साइड ऑफ द मेटल बन गया। प्रोसेस किसने स्टार्ट की, ऑप्शन ए ने, हाइड्रेटेड सॉल्ट ने, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ए का है हाइड्रेटेड सॉल्ट है जो कि ग्रीन इन कलर है, बी अनहाइड्रस सॉल्ट है हमारे पास वो व्हाइट सॉलिड है, ठीक है। सी हमारे पास ऑक्साइड ऑफ द मेटल है जो कि ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस में प्रोड्यूस हुआ था, उसकी हम फर्दर हीटिंग करते रहते, बार 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 हीट कप करोगे आप किसी भी चीज को तो आपके पास ब्राउनिश ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस होके आएगा। वो किस चीज की वजह से आता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द मेटल की वजह से। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपने बता देना है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टेल अस द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। अबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है, हमें बताती है जितने भी टोटल मास ऑफ एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट है,
केमिकल रिएक्शन में उतने ही टोटल मास ऑफ एलिमेंट हमारे प्रेजेंट होने चाहिए रेक्टेंड में, उसी को बैलेंस्ड केमिकल लोकेशन बोला जाता है। बट इट डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सम फैक्ट्स, बट इसमें बोला गया है कि ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है कुछ फैक्ट्स के ऊपर, एंड देन द रिएक्शन इज मेड इन्फॉर्मेटिव बाय एडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एड करना पड़ेगा। तो आपने सिलेक्ट करना है स्टेटमेंट को दैट डज नॉट मेक केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाती है। अब आपके पास ये ऑप्शन दी है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिटन अलोंग विद देम, बी है द रिएक्शन कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस आर रिटन, सी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन कोफिशिएंट इज ऑलवेज रिटन इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला। आपने इसमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। डी है हीट चेंजेस एकंपनिंग द केमिकल रिएक्शन आर रिटन। तो इनमें से कौन सी आपको ऑप्शन लगती है जो बेटर है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमेशा कोफिशिएंट को फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला लिखा जाता है। आपको पता होना चाहिए जितने भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उसमें हम कोफिशिएंट को हमेशा केमिकल फॉर्मूले के आगे लिखते हैं, ठीक है। वो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट में, और दोनों साइड्स वो इक्वेशन के हम बराबर कर देते हैं। फिर देखते हैं, फिर दूसरा है हमारे पास, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि हमें बोला गया है जो भी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लिख सकते हैं। बट ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस फॉर्म में ही हम इसको लिख सकते हैं, विच कैन इफेक्ट रिएक्शन, वो जो कि हमारे पास इफेक्ट कर सकती है कंडीशन की रिएक्शन को, आउटकम को। बी है हमारे पास रिएक्शन कंडीशन अंडर द रिएक्शन, ये सारा का सारा आपको ऐसे मैंने बताया है सिंपली। तो आंसर आपने बताना है सिंपली इसका, हमारे पास ए और बी और डी है। ये हमें क्या देती है, एडिशनल इंफॉर्मेटिव डिटेल देती है। किसकी इंफॉर्मेशन देती है, केमिकल रिएक्शन की अपने आप, ठीक है। और ऑप्शन सी है एक हमारे पास, जो कि हमें एक बेसिक रूल के बारे में बताती है कि हमने अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस तरह से करेक्टली बैलेंस करना है और वो किस तरह से हमारे लिए नेसेसरी है। और वो ये चीज नहीं बताती कि हमें उसमें न्यू सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आंसर है, आपने सिंपल बोल देना है कि हमारे पास ए बी और डी है ऑप्शन, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेटिव डिटेल देती है केमिकल रिएक्शन के बारे में अपने आप ही। और ऑप्शन सी ही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो हमें बताती है बेसिक रूल किसके, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कि किस तरह से करेक्टली हम बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, और कौन कौन से जो न्यू सब्सटेंटिव इंफॉर्मेशन हम उसमें कभी भी ऐड नहीं कर सकते जब तक हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ये ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन हीटिंग अ ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, अ ब्लैक सब्सटेंस एक्स ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस वाई वाज फॉर्मड, सिलेक्ट द ऑप्शन विच आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट करेक्टली। अब इसमें बताया गया है प्यारे बच्चों आपको, ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर जो ब्लू कलर्ड पाउडर होता है कॉपर 2 नाइट्रेट का, इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ए ब्लैक सब्सटेंस एक्स ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस वाज फॉर्मड। तो उस टाइम हमारे पास दो तरह की सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, एक सब्सटेंस एक्स ऑक्सीजन गैस होता है, एक ब्राउन गैस वाई होता है, वो दोनों क्या हो जाते हैं हमारे, फॉर्म हो जाते हैं। तो आपने बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा आइडेंटिफाई करता है इस प्रोसेस को, इस प्रोडक्ट को करेक्टली, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ इस चीज को, फिर से आपको क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि जब हम हीटिंग करते हैं, ठीक है, कॉपर 2 नाइट्रेट की बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो
हमारे पास ब्लू कलर पाउडर होता है उसको ही करते हम कंपोस्टिंग नाइट्रेट बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ब्लू कलर पाउडर को हीट। उस टाइम हमारे पास टू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, एक सब्सटेंस एक्स ऑक्सीजन गैस होता है, एक ब्राउन गैस वाई वॉज फॉर्म्ड होता है, वाई फॉर्म्ड होता है, राइट। फिर आपने इसमें से बताना है कि कौन सी ऑप्शन आइडेंटिफाई करती है प्रोडक्ट को करेक्टली। तो आंसर देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो भी डिस्क्रिप्शन में हमें प्रोवाइड किया था, हमें डिस्क्रिप्शन में बोला गया था कि जो ब्लू कलर्ड पाउडर है कॉपर टू नाइट्रेट का, ठीक है, कॉपर टू नाइट्रेट का फॉर्मूला देख लो, कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 2, इसको हीट करना है किसके अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। तो ब्लू कलर्ड पाउडर हमें क्या मिल जाता है, जिससे कि दो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, एक मैंने आपको ऑलरेडी बोला ब्लैक सब्सटेंस एक्स ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस वाई। तो हमने इन सब को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इन दोनों प्रोडक्ट्स को। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आप देख सकते हो ब्लैक सब्सटेंस के लिए मैंने क्या किया, कॉपर नाइट्रेट को क्या किया, हीट अप किया स्ट्रॉन्गली, फिर वो किसमें डिकम्पोज हो गया हमारे पास कॉपर टू ऑक्साइड में, जो कि हमें किस कलर में मिला, ब्लैक इन कलर में मिला। जो रिएक्शन देख सकते हो आप T2 ए बैलेंस कर की हमने पहले लिखना है CuN3 2 CuO प्लस NO2 प्लस O2, फिर बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 है, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो मेरे पास प्रोडक्ट साइड में क्या आ गया 4 और 2 इस साइड को हो गया, 2 साइड को हो गया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड और हमारे पास कॉपर ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्साइड फॉर्म्ड हुआ हमारे पास ब्लैक सब्सटेंस एक्स में, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो आपने सिंपल शब्दों में कहना है कि कॉपर टू ऑक्साइड फॉर्म्ड होता है हमारे पास ब्लैक सब्सटेंस एक्स के पास, और ऑक्सीजन गैस, अब ऑक्सीजन गैस हमारी लिबरेट करती है थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं कॉपर नाइट्रेट के साथ, उस टाइम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कर देती है, ये इन्वॉल्व करती है। और ब्राउन गैस हमारी फॉर्म्ड होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, जब कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो वो क्या रिलीज करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके साथ में, ऑक्सीजन गैस के साथ में। तो बस सिंपल शब्दों में आपने बता देना है कि ऑक्सीजन गैस हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इन्वॉल्व करती है और हमें क्या दे देती है, वो हमें प्रोड्यूस करके गैस को क्या कर देती है, वो लिबरेट कर देती है। ब्राउन गैस हमारी क्या फॉर्म करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो रिलीज क्या कर देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो आंसर ये मैंने जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट जो आंसर है वो ये है। पहले तो मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए आपको थ्योरी मेंशन की, आप उसको भी कर सकते हो डिटेल में अगर आपने डिफाइन करना हो। अगर कोई कुछ बच्चे होते हैं उनको डिटेल में चीजें ज्यादा समझ नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपल वो इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। पहले उन्होंने केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, कॉपर नाइट्रिक एसिड की, ठीक है, उसको फॉर्म करना है, ठीक है। फॉर्म करने के बाद देखो थ्योरी मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि देखो उसने नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस की और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस की, राइट। तो कौन कौन सा कलर था वो आपको पता ही था, कौन कौन सा कलर प्रोड्यूस किया था। तो आपने सिंपल बोल देना है जो हमारे पास करेक्ट आइडेंटिफिकेशन थी प्रोडक्ट्स की, वो फॉर्म कैसे हुई थी, हमने कॉपर टू नाइट्रेट को क्या किया था, हीट किया था किसके अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हीट किया था ना हमने कॉपर नाइट्रेट को, और फिर उसके बाद हमें क्या क्या मिला था, कॉपर ऑक्साइड मिला था और क्या मिला था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपने बोल देना एक्स्ट्रा सब्सटेंस है हमारा, वो किसको होल्ड करता है, कॉपर टू ऑक्साइड को, और जो वाई होता है हमारा वो किसको होल्ड करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को। तो ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और डिटेल में भी बता सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, स्टूडेंट पोर्ड 100 ml ऑफ वाटर, ml का मतलब होता है मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बोटल एंड एडेड 40 ml विनेगर टू इट, ए बलून वॉज फिल्ड विद 20 g बेकिंग सोडा एंड वॉज फिक्स्ड एट द mouth PF ऑफ द बोटल। द स्टूडेंट क्लेम्स दैट केमिकल चेंज हैपेंड व्हेन the substance, when the two substances were mixed, is the calm made by the student correct? What observations do you make?
आपको बोला गया है स्टूडेंट क्या करता है, पोर करता है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बॉटल, बॉटल के अंदर 100 मिलीलीटर वाटर को क्या करता है वो पोर करता है और उसमें क्या कर देता है 40 मिलीलीटर मतलब 40 मिलीलीटर विनेगर उसमें क्या कर देता है ऐड कर देता है, 40 मिलीलीटर विनेगर क्या कर देता है उस 100 ml ऑफ वाटर की बोतल में ऐड कर देता है। फिर एक बलून, वो उस बलून को क्या करता है फिल करता है 20 ग्राम बेकिंग सोडा के साथ एंड वो फिक्स्ड एट द, और उसको कहाँ फिक्स कर देता है जो बोतल का माउथ होता है मतलब बोतल का ऊपर वाला मुंह होता है हिस्सा होता है वहां पे। द स्टूडेंट क्लेम्स दैट, तो स्टूडेंट क्लेम करते हैं स्टूडेंट दैट अ केमिकल चेंज हैपन्ड, कौन सी केमिकल चेंज हैपन्ड हुई जब टू सब्सटेंस आपस में क्या हुए मिक्स हुई, ये चीज आपने बोलनी है। जब केमिकल चेंज हैपन्ड होती है तो उस टाइम टू सब्सटेंस हमने क्या किए थे, हमने टू सब्सटेंस उसमें ऐड किए मिक्स किए तो कौन सी केमिकल चेंज हैपन होगी, इज द क्लेम मेड बाय द स्टूडेंट करेक्ट, जो कि स्टूडेंट्स ने उसको क्लेम किया जो हमारे पास आई कि उसने दो सब्सटेंस हमने मिक्स किए तो हमारे पास केमिकल चेंज में क्या होगा, तो जो उन्होंने क्लेम दिया उन्होंने बताया स्टूडेंट्स ने क्या वो ठीक है, और अगर ठीक है तो कौन सी ऑब्जर्वेशन हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट की। तो यहाँ पे देख ही सकते हो आप जो क्लेम मेड बाय द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लेम मेड किया था केमिकल चेंज जब अक्कर हो रही थी जब वाटर के साथ विनेगर के साथ और बेकिंग सोडा के साथ वो करेक्ट थी उन्होंने बोला ऐसा, तो हमने उस ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग के पीछे बताना है कि वो सच्ची थी सच है या झूठ है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है कैसे हुई इसमें, जब हमने बेकिंग सोडा को लिया ठीक है, जब हमारा बेकिंग सोडा रिएक्ट किया विनेगर के साथ तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या हुई अक्कर हुई, तो आपने ये केमिकल रिएक्शन अक्कर हुई हमारे पास, जैसे कि आप देख ही सकते हो हमारे पास क्या हुआ हमारे पास बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 किसके साथ रिएक्ट किया वो किसके साथ विनेगर के साथ, तो विनेगर का होता है CH3COOH, तो हमें क्या मिला ऑब्वियस सी बात है CO2 प्लस H2O और क्या मिल गया CH3COONa, तो बेकिंग सोडा किसके साथ रिएक्ट किया हमारा विनेगर के साथ रिएक्ट किया, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 वो किसके साथ रिएक्ट किया विनेगर के साथ CH3COOH के साथ ठीक है, तो उसने क्या दिया आपको, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की और क्या दिया वाटर दिया और साथ में आपको क्या प्रोड्यूस किया सोडियम एसीटेट, ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए सोडियम एसीटेट का, तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3COO सोडियम का क्या होता है Na, तो Na ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब उन्होंने सेकंड परफॉर्म की थी ऑब्जर्वेशन इन्फ्लेशन ऑफ बलून की, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होती है इस रिएक्शन में जब आप क्या करते हो बलून को क्या करते हो फिल करते हो, इससे पता लगता है हमारे पास कि इसमें क्या हुई हमारे पास केमिकल चेंज हुई, क्योंकि न्यू सब्सटेंस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो न्यू सब्सटेंस था वो फॉर्म हुआ और ये गैस क्या कर देती है हमेशा बलून को इन्फ्लेट्स कर देती है। और नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो जो रिएक्शन हमारी सोडा और विनेगर के बीच में हुई वो माइल्डली क्या है हमारी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हीट को क्या करती है अब्सॉर्ब करती है, तो आप इसमें बोल सकते हो इसमें थोड़ा सा हम क्या देखते हैं स्लाइट कूलिंग इफेक्ट देखते हैं, तो ये चीजें आपने बतानी है। अब जो भी हमारे पास फिजिकल चेंजेस हुई लिक्विड को मिक्स करते करते और बलून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई उसने बलून को क्या कर दिया इन्फ्लेट कर दिया, और जो भी हमारे पास केमिकल चेंजेस अक्कर हुई सारी की सारी वो हमारी परफॉर्म हुई उनके बारे में आपने अब बताना है। अब आपको इससे क्या पता लगा, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हुई इन्फ्लेशन ऑफ बलून हुई तो ये हमारी क्या है करेक्ट है, क्यों है करेक्ट, क्योंकि केमिकल जो चेंज है वो हमारा हमेशा अक्कर हुआ इसमें, क्यों हुआ जब देखो स्टूडेंट ने क्या किया मिक्स्ड वाटर विनेगर बेकिंग सोडा को क्या किया उन्होंने
हमारे साथ मिक्स किया इसको बोतल के अंदर, तो इससे आपको क्या पता लगा कि हमारे पास करेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। तो आपसे यही चीज पूछी गई थी कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन बतानी है, तो आपने बता दी करेक्ट ऑब्जर्वेशन यही हमारे पास कि हमने उसमें फाइंड आउट किया कि स्टूडेंट ने क्या क्या मिक्स किया था। किया था उन्होंने मिक्स्ड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा बोतल के अंदर, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी वो उसने क्या कर दिया, बलून को इन्फ्लेशन कर दी बलून की। तो इससे करेक्टली क्या हुआ, हमने इंक्लूड किया कि केमिकल चेंज डिड इंडीड अक्कर, केमिकल चेंज अक्कर होती होती है जब हम ये सारे के सारे प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकली हमने जो हमारे स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो ये सारी की सारी हैपनिंग हुई थी चीजें, तो उन्होंने सही कहा था। ये क्वेश्चन था आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज एडेड टू अ फ्लास्क कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मड विच इज कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर, द लाइन ऑन द ग्राफ इंडिकेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द फ्लास्क, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मड विद टाइम इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। अब आपको बोला है एक मैग्नीशियम रिबन है, उसका पीस है, उसको आपने ऐड करना है फ्लास्क के अंदर जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, कंटेन करता है। हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, जिसको कि कलेक्ट किया जाता है मेजरिंग सिलेंडर के, जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वहां पे इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाता है, मतलब वो क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। तो आपने एक लाइन ऑन द ग्राफ बनाना है जिसमें इंडिकेट, जिसमें बताना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितना रेट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जो कि फ्लास्क के अंदर अक्कर हुआ, और कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हुई जब टाइम हमने जो भी टाइम है उसको प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर आपने कि कितनी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म हुई। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपल बताना है कि हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, उसको इसके साथ किया हुआ हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, उसने हमें कह दिया MgCl2+H2। अब इसमें बता देना सिंपल आपने कि मैग्नीशियम हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और वो हमें क्या दे देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड दे देता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। बस जो भी रिएक्शन इक्वेशन इस क्वेश्चन से बनी वो यही बनी कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, उसने क्या फॉर्म किया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन चीज है, ऑब्जर्वेशन आपने बतानी है सारी, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन है, ठीक है। अब जैसे कि मैग्नीशियम जो रिबन है वो रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक के साथ, एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस एंड बबल्स रिलीज होते हैं, ये तो आपको पता ही है। मेजरिंग सिलेंडर में आपने बताना है जितनी भी हाइड्रोजन गैस थी वो हमारी प्रोड्यूस होती है किसमें, प्रोड्यूस्ड होती है, फिर उसको कलेक्ट किससे करते हैं, हम मेजरिंग सिलेंडर से, और फिर उसके पुश से क्या कर देते हैं, पानी के साथ फिल्ड कर देते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन में आपने बताना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आपने वो बताना है कि जितना भी हमारे पास चेंज आता है हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम में, ठीक है, जब हम उसे कलेक्ट करते हैं एज अ ग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब ग्राफ इंटरप्रिटेशन में आपने बताना है, जो ग्राफ होता है वो हमेशा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस के बारे में बताता है, जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होते हैं हमारे पास, और इसमें रैपिड इंक्रीज होता रहता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का, और जितनी भी रेट ऑफ गैस प्रोडक्शन होती है वो स्लो डाउन होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर हमारे पास इस रिएक्शन में लेस मैग्नीशियम मिलता है, मतलब लेस मैग्नीशियम बचता है। लाइन ऑन द ग्राफ में आपने बताना है, लाइन ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को, जो कि हमेशा फ्लास्क के अंदर ही अक्कर होती है, और जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है हमारे पास वो क्या है, स्टिपर है, और जो कि हायर रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। जैसे जैसे हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस करती है तो स्लोप क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, और रिएक्शन रेट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको इस समरी से क्या पता लगा, इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस को क्या किया, मेजर किया किसके साथ, मैग्नीशियम जब हमारा रिएक्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये है आपका मेन आंसर। पीछे मैंने आपको थ्योरी बताई
तो जब भी आपने आंसर बताना है तो आपने बताना है जो ये एक्सपेरिमेंट है जो कि इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन ऑफ, क्वेश्चन में ही दिया है आपके पास क्वेश्चन में ये सब कुछ कि मेजरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन को मेजर करता है ओवर टाइम एज जब हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब जो ग्राफ होता है हमारे पास किसका, हाइड्रोजन वॉल्यूम का, वो हमेशा क्या कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम को रिफ्लेक्ट कर देता है और जो भी उसकी जो भी गैस इनिशियल रैपिड गैस होती है प्रोडक्शन की वो क्या कर देती है फॉलो कर देती है स्लोअर रेट को, रिएक्शन का स्लोअर रेट हमारा क्या हो जाता है प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाता है। कब, जब हमारे पास हाइड्रोजन वॉल्यूम का जो रिएक्शन होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन से। तो आप बोल सकते हो जितनी भी हमारे पास सेटअप और ऑब्जर्व होती है केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में वो हमेशा काइनेटिक्स और स्टिचियोमेट्री ऑफ गैस फॉर्मिंग रिएक्शन के ऊपर क्या करती है बेस्ड करती है। तो बस आंसर आपने इतना सही बता देना कि जब भी ग्राफ का हाइड्रोजन वॉल्यूम हमारा रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारे पास जो रैपिड गैस होगी प्रोडक्शन होगी उसकी और या केमिकल रिएक्शंस होगी वो क्या हो जाएगी स्लोअर डाउन हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, आपके पास बोला है कौन सी फॉलोइंग रिएक्शन है वो डिफरेंट है इन तीनों में से। तो आपके पास दी गई है रिएक्शन, आप देख सकते हो NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, BgCaO प्लस H2O, CaOH twice और CkNO3 प्लस H2SO4 changes to KSS4O प्लस HNO3, DgZNCl2 प्लस H2S changes to ZNS प्लस 2HCl, ठीक है। तो आंसर आपने लिखना है द रिएक्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द, ये किस तरह से रिएक्शन डिफरेंट है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास डी रिएक्शन है वो डिफरेंट है ZnCl2 प्लस H2S ZnS प्लस 2HCl, ठीक है। अब किस तरह से ये रिएक्शन डिफरेंट है इसको एनालाइज कर देते हैं। अब आपको दिख ही रहा होगा आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो ऑप्शन ए में था आपके पास, उसको उसमें दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डबल हमारे पास क्या है डबल पेयरिंग हो रही है। तो इट मीन्स ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है वो रिएक्ट करते हैं हमारे सिल्वर क्लोराइड के साथ और सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो इसमें हमारे पास क्या कौन सी रिएक्शन अक्कर हो रही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अक्कर हो रही है जिसमें कि हमारे सॉलिड क्या रहते हैं इनसॉल्युबल रहते हैं। ऑप्शन बी थी आपके पास CaO प्लस H2O, अगर आपने इन सारे को एक्सप्लेन करना हो तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो सारी रिएक्शनों को। तो जैसे कि आप ये रिएक्शन देख रहे हो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे पास जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह हमारा एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो कि हमारे CoH2 को क्या बन गया हमारे पास न्यूट्रलाइज होने के बाद बेस की फॉर्म ले ली। तो आपने ये बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा एज अ बेस काम करता है इसके ऊपर और ऑप्शन सी है आपके पास गिवन दी हुई थी। तो ये हमारे को देख के क्या लग रहा है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है किसमें पोटाशियम नाइट्रेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वो हमें क्या दे रहा है पोटाशियम बाई सल्फेट, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही आपने ऑप्शन डी को भी स्पेसिफाई मतलब डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है इसमें जिंक क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, फिर वो हमें क्या दे रहा है जिंक सल्फाइड दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ना ही ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना ही ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें ZnCl2 है हमारे पास जो कि डिकम्पोज हो रहा है किसमें ZnS में और HCl में किसकी प्रेजेंस से H2S की प्रेजेंस से। तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन डी हमारा क्या है डिफरेंट है हमारी ये रिएक्शन क्योंकि इसमें देखो और थी हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्यों है क्योंकि इसमें क्या हो रही है ये क्यों डिफरेंट है क्योंकि इसमें डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी कंपाउंड की, कंपाउंड क्या है इसमें हमारे पास ZnCl2 है इसको क्या कर रहे हैं डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, ना कि इसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है इसकी, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं और इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है किसकी फॉर्म में हमें दिख रही है सॉल्ट की फॉर्म में
और अदर ऑप्शंस भी देख सकते हो आप इसकी, ठीक है? तो ये हमारे पास आंसर है, तो आपने बोलना है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड रेदर देन अ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, जैसा कि आप देख रहे हो, ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बिलो। पी क्यू प्लस आर चेंजेस टू पी आर प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सचेंज एंड प्रोडक्ट्स? ऑप्शन नेचर ऑफ आर इन प्रोडक्ट ए, केटायन बी, केटायन सी, एनायन जी, एनायन। अब आपके पास ए दिए हुए ऑप्शन बी सी डी, और स्टेबिलिटी ऑफ पी आर एज कंपेयर टू पी क्यू, मोर स्टेबल लेस स्टेबल, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। तो आपके पास एक स्टेबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, पी क्यू प्लस आर चेंजेस टू पी आर प्लस क्यू। फिर आपको बोला गया है इसमें कौन सी ट्रू है रेक्टेंडल प्रोडक्ट के बेस के ऊपर, और नेचर ऑफ आर बताना है आपने इन प्रोडक्ट के ऊपर, ए कैटाइन के ऊपर, बी कैटाइन के ऊपर, सी एनाइन और डी एनाइन के ऊपर। तो आपके पास दिया गया है इसमें, और स्टेबिलिटी भी बता नहीं आपने पी आर की एज कंपेयर टू पी क्यू, मोर स्टेबल लेस स्टेबल, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। तो चलो आंसर की तरफ को जाते हैं। इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू प्लस आर चेंजेस टू पी आर हमारे पास दिया हुआ है, तो आर क्या है हमारे पास इसमें सब्सटेंस है जो कि डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है? अब हम इसकी स्टेबिलिटी के कंपेरिजन को एनालाइज करते हैं, तो जो नेचर ऑफ आर है हमारे पास इन द प्रोडक्ट पी आर, पी आर एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसमें हमने आर का नेचर बताना है। तो इन द प्रोडक्ट पी आर, पी आर के प्रोडक्ट में आर हमारा क्या है, एनाइन है फ्रॉम द कंपाउंड, किस कंपाउंड से, पी क्यू कंपाउंड से हमारा क्या है, एनाइन है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये क्या होती है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं इसमें जो कि डिस्प्ले कर जाते हैं, डिस्प्लेसेस करते हैं लेस रिएक्टिव को, और फिर क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। और इस तरह से आप बोल सकते हो कि ऑप्शन डी है 9 की वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है नेचर आर के लिए, और ये आप बोल सकते हो आप पी आर के लिए। अब आपको पता लग गया इस चीज का, आपने बोल देना है जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो क्या है, राइट ऑप्शन है हमारे पास प्रोडक्ट पी आर के लिए। नेक्स्ट आप स्टेबिलिटी ऑफ पी आर, ऐसे सारी चीजें कंपेयर करनी है आपने, लास्ट में आपने बताना है कि इन सब ऑप्शंस के बेस्ड पे जो नेचर ऑफ आर है प्रोडक्ट पी आर में, ऑप्शन डी क्या है हमारे पास करेक्ट है। और स्टेबिलिटी ऑफ पी आर पूछी थी आपके लिए, तो आपने बताना है जो स्टेबिलिटी ऑफ पी आर है कंपेयर टू पी क्यू, उसमें हमने एडिशनल कॉन्टेक्स्ट को बिना ऐड किए हुए ये पॉसिबल है, रिलेटिव स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं हम बिना उसके एडिशनल कॉन्टेक्स्ट के। तो आप बोल सकते हो पी आर कंपेयर टू पी क्यू में हमारे पास हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है हमारे पास, उसको हम क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सिंपल वर्ड्स में आपने आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द मिशन ऑफ ब्रॉन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। आपको बोला है जो मिशन होती है हमारे पास ब्रॉन फ्यूम्स की, ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटल में किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं, जो ब्रॉन फ्यूम्स होती है उसकी मिशन को आपने बताना है कि किस तरह से सेटअप कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में। तो जो मिशन होती है हमारे पास ब्रॉन फ्यूम्स की केमिकल एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, वो हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस से होती है। किसकी वजह से होती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रॉन फ्यूम्स होते हैं हमारे वो किसकी वजह से अक्कर होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है हमारी वो रेडिश ब्राउन गैस होती है, जब वो कब फॉर्म होती है, जब हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, जब उनके उसमें आती है कॉन्टेक्ट में आती है, और हमारी जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट कर जाती है एयर के साथ, तो इस तरह से हमारे पास मिशन ऑफ ब्रॉन फ्यूम्स हमारे पास क्या हो जाती है, अकर हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, जैसा कि आप देख ही सकते हो, नेम द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। आपको बोला है आपने उन मेटल्स के नाम बताने जो कि ना ही कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ वो रिएक्ट नहीं होते हैं, तो आपने आंसर बता देना है। जैसे मेटल हो गया आपके पास आयरन,
और एल्यूमिनियम हो गया AL, जिंक हो गया ZN, ये कभी भी हमारे रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड और हॉट वाटर के साथ। दे डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड। एंड पेपर में आ जाता है कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ ऐसे कौन से मेटल है जो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आपने आयरन बता देना और एल्यूमिनियम बता देना और जिंक बता देना। ये मेटल्स हैं हमारे जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ एज वेल एज हॉट वाटर के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, द रेशियो एक्स रेशियो वाई। जब भी आपने किसी भी सब्सटेंस को लिखना हो रेशियो में, तो ऊपर नीचे दो डॉट्स लगा देते हैं वो हमारी, या फिर एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो उसको, या एक्स रेशियो वाई लिख सकते हो। तो आपके पास एक्स रेशियो वाई रेक्टेंट दिया है Fe, Fe का मतलब होता है आयरन एंड वॉटर इन द गिवन बैलेंस्ड केमिकल लोकेशन। देखो अब आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, हमारे पास दो, हमारे पास रेशियो दी गई है। तो देखो एक्स है हमारे पास एक सब्सटेंस, एक वाई सब्सटेंस है, इसकी Fe क्या होता है हमारा सॉलिड होता है और H2O क्या हमारे गैस है, ठीक है। तो आपने इसको चेंजेस टू, तो एक इसमें हमारे पास Fe3, जब हमने इसको बैलेंस किया तो हमारे पास क्या आया, इसकी फॉर्मेशन होके Fe3O4+H2, और फिर हमने इसको कैल कर दिया बैलेंस करके। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक्स रेशो वाई दिया है 2:3, एक्स रेशो वाई दिया 3:4, एक्स रेशो वाई दिया 1:4, एक्स रेशो वाई दिया है 4:1। तो आपने इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर है आपके पास बी, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 3:4। अब क्यों है 3:4, देख लो, जो रेशो 3:4 है, जो रेक्टेंट Fe है और H2 है, देखो इनकी गिवन मैंने बैलेंस्ड केमिकल लोकेशन आपको करके दे दी। देखो यहाँ पे आपके 3:4 क्यों आई, Fe की क्या है वैल्यू, देखो 3 है ना आपके पास, H2O के साथ क्या है 4 है, तो हमारे पास क्या आ गई इसकी बैलेंस्ड केमिकल लोकेशन करके 3:4। ऐसा ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसको, इसमें हमारे हमने क्या किया है, अपनी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, इधर मैंने बैलेंस करके बता दिया आपको। जब हम केमिकल इक्वेशन को क्या करोगे, करेंगे बैलेंस करेंगे, उसके बाद ही हमें एग्जैक्ट रेशो मिलेगी एक्स सब्सटेंस की और वाई सब्सटेंस की। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, बी है। तो बी ऑप्शन है हमारे पास, एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 3:4। तो हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद हमें अपने जो रेक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी वैल्यूज 3 है हमारे पास Fe की, और H2O का 4 है, तो हमारे पास क्या बन गया 3:4। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका है फर्स्ट ए पार्ट है, राइट द असेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। यहाँ पे आपके पास दिया गया है AgBrA दैट चेंजेस टू 2Ag+Br2 राइट बन एप्लीकेशन ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट में बोला आपने एप्लीकेशन लिखनी है इस रिएक्शन की, दूसरा लिखा है आपने केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए अब आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपको बोला है असेंशियल कंडीशन कौन सी थी इस रिएक्शन की, जो गिवन दी हुई है आपको पीछे, यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, 2AgBr दी हुई है आपके पास, और आपके पास चेंज करके 2Ag+Br2 टेक प्लेस इज लाइट। अब देखो ये रिएक्शन कौन सी है हमारी, ये रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड है हमारे पास। AgBr क्या होता है हमारे पास, Ag से होता है सिल्वर और Br से होता है ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड हमारा क्या कर रहा है, सिल्वर और जो हमारे पास क्या दे रहा है हमें, वो हमें दे रहा है ब्रोमिन, ठीक है। जब वो लाइट्स की वजह से क्या हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, जब वो लाइट में एक्सपोज हो रहे हैं तो हमारे को सिल्वर ब्रोमाइड क्या दे रहा है, हमें दे रहा है वो सिल्वर ब्रोमाइड, और साथ में क्या दे रहा है हमें, वो सिल्वर और ब्रोमाइन। तो ये याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड हमें क्या देता है, सिल्वर और ब्रोमाइन देता है, जब वो किसके साथ एक्सपोज होता है, लाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपने सारा बता देना है। नेक्स्ट पूछा गया है आपको इसमें कि आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो इक्वेशन को, Fe
SO42 की को, तो इसमें इस इक्वेशन को आप देख सकते हो, इक्वेशन आपको इनकम्प्लीट सी लग रही होगी। हाँ, मुझे भी इनकम्प्लीट सी लग रही है। तो इसको प्रॉपर मीनिंगफुल बनाने के लिए मुझे डिकम्पोजिशन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मेरे पास FeSO4, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डिकम्पोज करना पड़ेगा, इसकी हीटिंग करनी पड़ेगी। जब मैं इसकी हीटिंग करूंगी डिकम्पोज करने के बाद, तो मेरे पास क्या क्या मिलेगा मेरे को, Fe2O3, SO2 और SO3, और इस तरह से फिर मैं इसकी कंप्लीट इक्वेशन बना सकती हूँ। हीटिंग के बाद जो मेरी कंप्लीट इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी मेरे पास FeSO4 चेंजेस टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो आपको इससे पता ही लग रहा है, जब मैं इसको हीट करूंगी, मतलब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगी, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन जब भी कोई चीज हीटिंग प्रोसेस में होती है, तो हम उसको किस पोजिशन में, किस रिएक्शन में कंसिडर करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो ये रिएक्शन है हमारी, ऑटोमेटिकली हमें क्या बता रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बता रही है कि जो आयरन 2 है हमारे पास और सल्फेट FeSO4 है, इसके बीच में ये क्या हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। तो सबसे पहले जब भी मैंने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा, तो पहले मुझे हीटिंग करनी पड़ेगी। हीटिंग के बाद मेरे को 3 सब्सटेंसेस मिल जाएंगे जो कि रिएक्शन में आपको दिख ही रहे होंगे। तो अगर कोई दिक्कत आए आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज कैप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है आपने, नेम बताना है और उस लॉ को स्टेट करना है, मतलब उस लॉ के बारे में बताना है। और ये चीजें जब आपने केमिकल इक्वेशन को क्या करते हो, आप बैलेंस करते हो, तो किस किस चीज को, लॉ को याद रखते हो, किस कौन कौन सा नाम होता है जो कि आपको अपने दिमाग में चीजों को बनाने से पहले रखना होता है। तो देखो कितना इजी है, जब भी हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, तो जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होती है वो हमेशा किसके लॉ को कंसीडर करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को कंसीडर करती है, ठीक है। तो आपको मास ऑफ कंसीडर का, मास ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको पता होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये चीज याद रखनी है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब भी आपने करनी, आपको कैसे लगेगा पता कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का होता होगा, उसके ही बराबर हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए। इस तरह से आप बता सकते हो कि ये चीजें में हमारे माइंड में रखनी है हमने। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट होंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, तब हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेनुअल्स, हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस हियर, सपोर्ट योर रिस्पांस विद टू आर्गुमेंट्स। आपको बोला गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप जिंक ग्रेनुअल्स को ऐड करोगे, तो हाउ विल यू प्रूव दैट, तो आप कैसे प्रूव करोगे जो केमिकल चेंज होगी वो हमारी क्या करेगी, तो उसके अंदर कैसे काम करेगी, किस तरह से, मतलब टेकन प्लेस करेगी। तो आपने अपने जो भी आंसर है उसको टू आर्गुमेंट में सपोर्ट करना है। तो देखो कितना इजी बताया है कि आपने प्रूव करना है केमिकल चेंज जो कि हमारी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब हम जिंक ग्रेनुअल्स को ऐड करते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। मैंने ऑलरेडी आपको ये करवा दिया क्वेश्चन, फिर भी मैं इसको फिर से रिपीट करा रही हूँ। देखो किस फॉर्म में पूछ लिया है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था पीछे ये, पर फिर भी मैं आपको फिर से करवा देती हूँ। जब हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें वो क्या देगा, जिंक क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। फिर आपने इस रिएक्शन को कैसे लिख देना है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है, Zn plus 2HCl changes to जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये केमिकल इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है, ये बता रही है कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है किसकी, जिंक की हो रही है और हाइड्रोक्लोराइड की हो रही है प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, जिंक क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस है। जो फॉर्मेशन जिंक क्लोराइड की हमारे पास
एक तरह से क्या हो रही है, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इसमें हमारे पास न्यू सब्सटेंस है डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ एज कम्पेयर टू रेक्टेंट के। देखो रेक्टेंट के पास नहीं है, देखो रेक्टेंट के पास है और प्रोडक्ट के पास है ना, तो आपने बोल देना है कि न्यू सब्सटेंस है इसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ एज कम्पेयर टू रेक्टेंट के। रेक्टेंट के पास नहीं है, प्रोडक्ट के पास है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो ऑब्जर्वेशन होती है हाइड्रोजन गैस की, जब हम उसको हाइड्रोजन गैस बबल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या हो जाते हैं, उनको ऑब्जॉर्व करते हैं, मतलब उनके बारे में हमें पता चलता है। तो आप इसमें सिंपल बोल सकते हो कि जो हमारे पास बबल्स की अपियरेंस आती है जिसमें की गैस प्रोड्यूस होती है, वो किसकी वजह से होता है, वो केमिकल रिएक्शन होती है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, उसकी वजह से हमारे पास बबल्स की क्या होती है, अपीयरेंस अकर होती है। बस इतना सा आंसर बताना है, जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है किसके बीच में, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन अपीयर होती है, तो उस टाइम अकर होती है, उस टाइम हमारे पास क्या हो जाते हैं, बबल्स की प्रेजेंस आ जाती है, मतलब बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। बबल्स कब आते हैं, बबल्स कब होते हैं, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में। तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट करेंगे तो आपको पता ही क्या मिलेगा, आपको जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है, हमारी न्यू सब्सटेंस एड हुआ विद न्यू प्रॉपर्टी के साथ एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तो जो मैं पीछे पढ़ाया, तो ये रीजन लिख सकते हो आप। तो नेक्स्ट आप ये भी बता सकते हो, जैसे इधर फिर से बता दिया है कि केमिकल रिएक्शन के बेस्ड पे हमने डिस्क्राइब किया ऑब्जर्वेशन हाइड्रोजन गैस बबल की, हमने उसमें क्या कंक्लूड किया, यही किया कि केमिकल चेंज हुई हमारे पास, ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रिक एसिड जब हमने ऐड किया जिंक ग्रेन, तो हमें क्या दिखा, उसमें न्यू सब्सटेंस आया हमारे पास, क्या आया था, हाइड्रोजन गैस, न्यू सब्सटेंस आया था न्यू प्रॉपर्टी के साथ, तो ठीक है। तो ये बता सकते हो आप, उसमें यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऑब्जर्वेशन आप उसमें नोटिस करोगे, और अपीयरेंस हाइड्रोजन गैस बबल आई थी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में चेंज आया, इसलिए अपीयरेंस ऑफ हमारे पास जो बबल्स की अपीयरेंस थी वो एग्जिस्ट करी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, व्हाट कैन बी सीन व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, क्या होगा, क्या देखते हो आप, जब जो हमारे पास कॉपर की स्ट्रिप होती है उसको हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब हम स्ट्रिप उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर देते हैं, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, कौन कौन सी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्रिस्टल्स, हमारे पास सिल्वर क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे कि प्रेसिपिटेशन भी बोला जाता है। कॉपर हमारा हाइयर रिएक्टिव होता है सिल्वर के कंपेरिजन में, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज के, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज टेबल के। तो जो सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट कॉपर का, सिल्वर नाइट्रेट, वो हमारे पास कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है सिल्वर को सॉल्यूशन पे, किसकी रिएक्शन से, हेल्प से, रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से, और रिजल्ट क्या आ जाता है हमारे पास, मेटालिक सिल्वर हमारा क्या कर जाता है, कॉपर स्ट्रिप के अंदर क्या, नीचे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ये मैंने आपको करवा दिया था। और सिल्वर क्रिस्टल हमारे अपीयर हो जाते हैं और हमें कॉपर स्ट्रिप के ऊपर क्या दिख जाते हैं, विजिबल हमारे को दिखते हैं, जो मैंने बोला था, जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन वो होता है जिसमें हमारे सॉलिड क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। तो वही चीज आपको इसमें बताई गई है कि हमारे पास जब हम स्ट्रिप ऑफ कॉपर होता है उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो आपको पता है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के कंपेरिजन में, तो जो सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, वो क्या कर देता है, कॉपर को डिस्प्ले कर देता है सिल्वर से, सिल्वर से कहाँ को चले जाता है, वो सॉल्यूशन जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन है उसको वो सॉल्यूशन क्या कर देता है, होल्ड कर देता है, और इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन अक्कर होके आती है कि जो हमारे पास सिल्वर क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, हमारी कॉपर स्ट्रिप होती है, कॉपर रोड होती है, वहां पे नीचे क्या हो जाते हैं, वो सेट हो जाते हैं, मतलब इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में ये चीजें आपने बतानी है, और जो हमारा कलर चेंज का होता है सॉल्यूशन के अंदर वो डिपेंड करता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है हमारा वो ब्लूइश हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन होती है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, और जो भी
हमारे पास कॉपर आयंस होते हैं वो क्या रह जाते हैं, उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है और वो क्या कर जाते हैं, जो सॉल्यूशन की स्ट्रिप है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आप सिंपल शब्दों में ये चीज़ें बोल सकते हो कि जो मेन विजिबल इफेक्ट होता है स्ट्रिप को प्लेस करने का, तो उसमें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन अक्कर होती है और वो कॉपर को डिस्प्ले कर देती है सिल्वर की साइड को, और सिल्वर नाइट्राइड सॉल्यूशन से होके हमारी रिएक्टिविटी बन जाती है, रिएक्टिविटी डिफरेंस बनता है टू मेटल्स के बीच में। तो अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।